हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग। और इस समय मॉर्निंग का 5 बज रहा है और जो मेरी मॉर्निंग है हमेशा से 5 बजे से स्टार्ट होती है, बिकॉज अगर हम टाइम टू टाइम अपनी मॉर्निंग नहीं स्टार्ट करेंगे, जल्दी नहीं स्टार्ट करेंगे, तो ना ही हमारा ब्रेकफास्ट टाइम पे होगा, ना ही एक्सरसाइज टाइम पे होगी, ना ही योगा टाइम पे होगा, ना ही लंच टाइम पे होगा और ना ही डिनर टाइम पे होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस एंड वेट गेन करने का, जो मैं 7:00 to 7:30 फिनिश कर देती हूँ। अगर मॉर्निंग आपने लेट स्टार्ट की 9:00 से, तो फिर आपका जो है डिनर वो पूरी तरह से उसका हाल जो है बुरा हो जाएगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं क्या लेती हूँ। आपको मैंने बहुत ही जल्दी एक वीडियो बताया था, वो भी किचन से ही शूट किया था, कि रात में बिफोर बेड में क्या लेती हूँ अभी रिसेंटली एंड अभी करंट में मैं क्या ले रही हूँ। बिकॉज ये जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपका जो भी गंदगी है पेट की, कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि आप अपनी पॉटी के थ्रू अपनी सारी चर्बी बाहर निकालने वाले हो, वेट लॉस करने वाले हो, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले हो, अपने हेयर्स बहुत अच्छे करने वाले हो और साथ ही साथ आंतों में गंदगी है आप उसे पूरी तरह से बॉडी से निकालने वाले हो। क्या आपको पता है एक रिसर्च के थ्रू कि अगर हम अपने आंतों को क्लीन कर ले तो इंस्टेंट हमारा जो वेट है 5 to 6 kg लॉस हो जाएगा। यानी हमारी आंतों में ही 5 to 6 kg पॉटी भरी रहती है, चिपकी रहती है, जिसको क्लीन करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी आंतों की सफाई किस तरह से करती हूँ और इधर मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर ये आपने एक हफ्ता कर लिया तो आप देखेंगे कि 7 to 8 kg वेट आपका इंस्टेंट जाएगा, पेट बहुत ही आपका दबा दबा सा लगेगा और बहुत ज्यादा आप टोन बॉडी दिखोगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। आज मैं आपको यहाँ पे कोई भी बॉइलिंग प्रोसेस एंड रात में भिगोना और ये कुछ नहीं करना, क्योंकि आई हैव नो टाइम। और मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि आप कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत क्या सभी ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, रात में भिगोना भूल हो गया, फिर ये सारी चीजें होती हैं। तो आज मैं बहुत ही एक आसान सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसे लेना है। और आपको मैं मॉर्निंग में काफी फ्रेश लग रही होंगी, वो भी 5 बजे, बिकॉज मैं अपनी नाइट बहुत जल्दी करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, मैं 7 to 7:30 डिनर ले लेती हूँ एंड 10 o'clock तक मैं सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, तभी मेरी मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट होती है और मैं आपको इतना फ्रेश दिखती हूँ। तो अभी बस काम शुरू होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग में आपके साथ ये वीडियो शूट कर लिया जाए। तो इसे मैं लेती हूँ, कैसे लेती हूँ सबसे पहले वो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बेनिफिट बताती हूँ। इस तरह के मेरे आई थिंक 4 to 5 डिब्बे खत्म हो गए हैं। अगर आप कंपनी का नाम पूछेंगे तो आप कोर्स में बताऊंगी, मैं डाबर का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो आपको 2 tablespoons त्रिफला चूर्ण लेना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि, और हाँ ये ध्यान रखिएगा, एक टाइम ही आपको लेना है, बिकॉज रात में आपको आंवला चूर लेना है इसके साथ। जो छोटा वाला चम्मच होता है आपको वो लेना है, टेस्ट इतना बुरा नहीं होता, आराम से 1 spoon नॉर्मल पानी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी या फिर टैप वाटर जिसे आप नल का पानी बोलते हैं वो लेंगे। एक हो गया एंड दूसरा प्रोसेस में बता रही हूँ ना कि भिगोने का झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, ये दूसरा स्पून। ये मेरा हो गया मॉर्निंग टी जिसे मैं बोलती हूँ। इसके बाद मैं नो लेमन वाटर एंड नथिंग, कुछ भी नहीं लेने वाली। आपको एक और बताना चाहूंगी कि अगर आपकी आदत सुबह उठते उठते नहाने की है तो आप इसे नहीं लेंगे। आप अगर 7 बजे नहाते हैं तो आप इसे 6 बजे लेंगे, बिकॉज इसको खाने के बाद जो प्रेशर आपको आएगा आफ्टर 15 to 20 minutes कि आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। सो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही उठती हूँ, नॉट ब्रश व्रश कुछ भी नहीं करती हूँ, आप ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, उठना है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लेना है। तो जिनको भी सुबह सुबह नहाने की आदत है, मुझे भी फर्स्ट ऑफ ऑल नहाने की आदत है, नथिंग कुछ भी करने की आदत नहीं है, तो मैं 5 बजे उठती हूँ, इसे लेती हूँ, 5:15, 5:20 तक मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इस तरह से करिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई नो कि त्रिफला के बेनिफिट्स अगर मैं गिनाने बैठूँ तो एक जाएगा, और आयुर्वेद में त्रिफला को माँ के दूध के समान की तुलना दी गई है, यानी कि इसको उसके बराबर में रखा गया है कि
जितना ज्यादा वो बेनिफिट है एक बच्चे के लिए, उतना ही ज्यादा त्रिफला हम सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा, 1 मंथ ट्राई करिएगा। मुझे 15 दिन हो गए हैं ट्राई करते हुए और स्केल पे काफ़ी अच्छा जो है वो डिफरेंस मुझे देखने को मिला है, बिकॉज बीच में मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ था तो इसके लिए मुझे ये लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो 1 मंथ आप ट्राई करिए, रात में आपको आंवला चूर्ण लेना है, मॉर्निंग में आपको ये लेना है, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो सकेगा तो मैं लिंक आपको दे दूंगी अगर मुझे इसका मिलेगा। और प्राइस की बात करूँ तो ओनली 50 रुपीज़, और 4 to 5 ऑलरेडी मेरे खत्म हो गए हैं। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।